वैसे तो बॉलीवुड फिल्मों में हीरो के साथ साथ विलेन का भी अहम रोल होता है, लेकिन बात जब जीत की होती है तो अक्सर हीरो को ही आखिर में विजेता दिखाया जाता है। लेकिन इंडस्ट्री में ऐसी कई फिल्में आई जिसके हीरो तो आपको शायद ही याद होंगे, लेकिन विलन हमेशा के लिए अमर हो गए। आलम यह रहा कि इन एक्टर्स ने बतौर विलन इंडस्ट्री पर राज किया। इतना ही नहीं, आज भी इन विलन्स के चेहरे लोगों के जहन में जिंदा है। तो आइए दोस्तों, पिछले 100 सालों में बॉलीवुड के उन आइकॉनिक विलन्स के बारे में जानते हैं जिनके फिल्म में होने से हीरो की चमक भी फीकी पड़ जाया करती थी। फिल्म शोले में गब्बर सिंह के किरदार के रूप में अमजद खान। शोले की ब्लॉकबस्टर सफलता में गब्बर का किरदार निभाने वाले अमजद खान का बहुत बड़ा योगदान था। दरअसल शोले के बाद अपने कैरियर में वह कभी भी उस छवि को दोबारा नहीं बना पाए जो गब्बर सिंह के किरदार ने बनाई थी। संयोग से वह इस भूमिका के लिए पहली पसंद नहीं थे। रमेश सिप्पी ने डैनी को चुना था, लेकिन डैनी अफगानिस्तान में धर्मात्मा के शूटिंग में व्यस्त होने के कारण डेट्स नहीं निकाल पाए। पर किसी ने इस किरदार के लिए अमजद खान का नाम सुझाया। जावेद अख्तर ने उन्हें यह कहते हुए मंजूरी नहीं दी कि उनकी आवाज़ इस भूमिका के लिए बहुत धीमी थी, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो गब्बर सिंह हर समय का सबसे पसंदीदा खलनायक बन गया। फिल्म शान में साकाल के किरदार के रूप में कुलभूषण खरबंदा। शान की तर्ज पर रमेश सिप्पी ने एक और मल्टी स्टारर फिल्म बनाने की कोशिश की और शोले की तरह शान के पास एक खतरनाक खलनायक था, लेकिन गब्बर के विपरीत साकाल एक परिष्कृत खलनायक था और उसके पास सभी उपकरण और गैजेट थे। उसकी गुफा में एक चिकना पानी का टैंक भी था जिसके पीछे शार्क तैर रहे थे और भूमिगत तालाब थे जिसमें मानव मांस के भूखे मगरमच्छ थे। हैरानी की बात यह है कि जहां शोले ब्लॉकबस्टर रही, वहीं शान बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। लेकिन शान का एक शख्स जिसे शायद आज भी हर कोई याद करता है, वो है इसका विलन साकाल। कुलभूषण खरबंदा ने साकाल के रूप में अपने गंजे आदमी के अभिनय में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो के रूप में अमरीश पुरी। अमरीश पुरी के बारे में बात करें तो पहला किरदार जो आपके दिमाग में आता है वह अजय मोगैम्बो का है। बदलते समय के साथ अमरीश पुरी एक ऐसा किरदार निभाना चाहते थे जो दुनिया पर राज करना चाहता है। मोगैम्बो के पास एक पोशाक, एक छड़ी, एक सिंहासन और वफादारों का एक ऐसा समूह था जो उनकी एक आवाज़ पर तेजाब के पानी में कूद जाते थे और फिर वह मोगैम्बो खुश हुआ कहकर अपनी खुशी का इजहार करते। अमरीश पुरी जब भी किसी समारोह में भाग लेते और वह मंच पर जाते तो अपनी टोपी उठाकर कहते थे, मोगैम्बो खुश हुआ। फिल्म राम और श्याम में गजेंद्र के रूप में प्राण। प्राण ने राम और श्याम में क्रूर बहनोई गजेंद्र की भूमिका इतनी अच्छे से निभाई कि इसने एक बदलाव ला दिया। उनके सफल खलनायक चित्रण के बाद खलनायक की भूमिका को भी नायक की भूमिका से अधिक महत्व मिलने लगा। स्क्रीन पर उनकी उपस्थिति मात्र से ही दर्शकों में गुस्सा इस हद तक बढ़ गया कि वे उन्हें गालियां देते थे। अपने ट्रेडमार्क व्यंग के लिए प्रसिद्ध प्रतिभाशाली अभिनेता को अक्सर अपने कैरियर के चरम पर अपनी फिल्मों के मुख्य अभिनेताओं से अधिक भुगतान किया जाता था। प्राण ने अपने सभी खलनायक किरदार बड़ी सहजता से निभाए, चाहे वह एक देहाती ग्रामीण हो या शहर में रहने वाला धोखेबाज, और जल्द ही उसका नाम ही आपराधिक प्रवृत्ति का पर्याय बन गया और पर्दे पर आतंक का प्रतीक बन गया। फिल्म कालीचरण में लॉयन के रूप में अजीत। लॉयन ने अपने व्यक्तिगत शैली और विशिष्ट उच्चारण के साथ खलनायक को अमर बना दिया, जिसमें उन्होंने अपना परिचय दिया, सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। अपनी विशिष्ट शैली से उन्होंने मृदुभाषी अत्यंत सौम्य हत्यारा बनाया। कालीचरण में उनकी भूमिका के कारण उन्हें लॉयन का उपनाम मिला, क्योंकि उन्होंने बड़ी लापरवाही से इस शब्द का गलत उच्चारण किया था। अभिनेता ने सबसे लोकप्रिय खलनायक चरित्र तेजा का भी किरदार निभाया, जिसकी सुनहरी विग, नाइट गाउन और निश्चित रूप से मोना डार्लिंग उसे यादगार बनाती है। फिल्म बॉबी में प्रेम चोपड़ा। मैं वो भला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ देता हूँ, इस डराने वाले डायलॉग को कौन भूल सकता है जो बॉलीवुड के सबसे बड़े खलनायकों में से एक का ट्रेडमार्क था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रेम चोपड़ा की। बलात्कार, हत्या, ब्लैकमेलिंग जैसे सभी आपराधिक गतिविधियाँ प्रेम चोपड़ा के ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के लिए कुछ भी बुरी नहीं लगी। उनकी ट्रेडमार्क गंदी मुस्कान और डायलॉग प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, उनके बुरे इरादों को बताने और किसी को भी डराने के लिए काफी थे। फिल्म मदर इंडिया में सुखी लाला के रूप में कन्हैया लाल ने एक घटिया जमींदार की भूमिका निभाई जो फायदा उठाने की कोशिश करता है। अपने भूखे बच्चों के लिए भोजन की भीख मांगती हुई राधा की पीड़ा पूरी तरह से पतली है। यहाँ तक कि बिना किसी बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक, बिना अजीब कैमरा एंगल और बिना किसी नाटकीयता के भी कन्हैया लाल सुखी लाला के किरदार को लोकप्रिय बनाने में कामयाब रहे, जो टेढ़ा और जर्जर था।
जैसे ही बॉलीवुड फिल्मों ने शहरी परिवेश को उजागर करना शुरू किया, साहूकार खलनायक गायब हो गए, लेकिन सुखी लाला अभी भी एक यादगार खलनायक और प्रतिष्ठित व्यक्ति बना हुआ है। खलनायक रंजीत, रंजीत के रूप में। जब भी हम बॉलीवुड के प्रसिद्ध खलनायक रंजीत के बारे में सोचते हैं, तो तुरंत हमारे दिमाग में एक ऐसे व्यक्तित्व की छवि आती है जिसके नंगे सीने पर एक लॉकेट लटक रहा है और उसकी आंखों में कामुक कारनामों के निशान है। वह 70 और 80 के दशक के प्रसिद्ध ऑन स्क्रीन खलनायकों में से एक है। रंजीत ने पर्दे पर रिकॉर्ड 350 बलात्कार फिल्मी सीन फिल्माए थे। उन्हें अपना असली नाम 25 से अधिक फिल्मों में उनके किरदार के नाम रंजीत के रूप में मिला। अमीर गरीब, हाथ की सफाई, विश्वात्मा, धर्मवीर जैसी कुछ फिल्मों में रंजीत प्रभावी और दुष्ट इरादे वाले बेहद दुष्ट व्यक्ति थे। फिल्म अग्निपथ में कांचा चीना के रूप में डैनी डेंजोगप्पा। डैनी बहुत प्रभावशाली थे और उनकी वेशभूषा से लेकर दमदार संवाद तक फिल्म के लिए सब कुछ अच्छा था। अंडरवर्ल्ड का स्वयंभू सम्राट कांचा चीना बॉलीवुड इतिहास में सबसे बेहतरीन अंडरवर्ल्ड डॉन किरदारों में से एक था। डैनी इतने प्रभावशाली थे कि दर्शक आज भी उन्हें उनकी सशक्त भूमिका के लिए याद करते हैं। कांचा चीना अपराध वैरन मांडवा गांव पर कब्जा कर लेता है, जहां नायक विजय दीनानाथ चौहान का जन्म होता है। वह बस अपने बिजनेस को फलता फूलता रखना चाहता है और यह सब जारी रखने के लिए वह साजिश रचता है और विजय के पिता की हत्या कर देता है। कांचा चीना के रूप में डैनी का लुक आज भी सबसे स्टाइलिश खलनायकों में से एक माना जाता है, जिसमें एविएटर सेट्स और साफ जेली बात है। डैनी ने कांचा चीना के अपने किरदार के रूप में व्यवहार और बोली से लेकर क्रूरता तक के हर पहलू को विस्तार से बताने में महारत हासिल की। फिल्म अमर अकबर एंथनी में रॉबर्ट के रूप में जीवन। जीवन 60, 70 और 80 के दशक के बॉलीवुड सिनेमा के शीर्ष बुरे लोगों में से एक थे। भारतीय सिनेमा के नारद मुनि के रूप में लोकप्रिय जीवन ने कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन अमर अकबर एंथनी में रॉबर्ट के रूप में उनकी भूमिका काबिले तारीफ है। रॉबर्ट सेठ के रूप में जीवन ने शीर्ष खलनायकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और उनकी संवाद अदायगी शैली ने उनकी सभी फिल्मों में प्रदर्शन को ऊंचा उठाया। जीवन ने लगभग सभी प्रकार की खलनायक भूमिकाएं निभाई। एक मध्ययुगीन फिल्म में एक दुष्ट मंत्री से लेकर एक दुष्ट ग्रामीण, अमर अकबर एंथनी में शहरी स्थिति में एक शहरी परिष्कृत खलनायक तक। फिल्म दुश्मन में गोकुल पंडित के रूप में आशुतोष राणा। आशुतोष राणा ने टेलीविजन से फिल्म में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और डाकिया गोकुल पंडित का उनका चित्रण इतना प्रभावशाली था कि वह दर्शकों को डरा सकता था। उसकी आंखों में जुनून और चेहरे पर वासना ने गोकुल पंडित को अत्यधिक नकारात्मक के रंग दे दिए। फिल्म में काजोल ने डबल रोल निभाया था और उनके दोनों ही रोल गोकुल पंडित की हवस की भेंट चढ़ गए। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के साथ साथ आप इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि आप जब सपोर्ट करते हैं तो हमारा मनोबल और बढ़ता है और आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत और पहचान है। सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो आए आपको सबसे पहले प्राप्त हो। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको इस चैनल पर किस तरह की वीडियो देखना पसंद है। आपके मनपसंद की वीडियो इस चैनल पर जरूर अपलोड की जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगली बार ऐसे ही एक धमाकेदार वीडियो में। आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।